गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स, आज हम आपको आइडेंटिटी पर आधारित घनों का विस्तारित रूप बताने जा रहे हैं। आइडेंटिटी हमारे पास x प्लस वाई का होल क्यूब बराबर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस थ्री एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई। इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, प्रथम पद प्लस द्वितीय पद होल क्यूब, प्रथम पद के पावर तीन प्लस द्वितीय पद के पावर तीन प्लस तीन प्रथम पद द्वितीय पद इंटू प्रथम पद प्लस द्वितीय पद। एक तो ये आइडेंटिटी है। इसके बाद अब माइनस की आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, एक्स माइनस वाई का होल क्यूब एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। अब इसमें माइनस के चिन्ह रखने हमें एक्स माइनस वाई। इसको भी हम इस तरीके से लिख सकते हैं, प्रथम पद माइनस द्वितीय पद का होल क्यूब, प्रथम पद के पावर तीन माइनस द्वितीय पद के पावर तीन माइनस तीन प्रथम पद और द्वितीय पद, प्रथम पद माइनस द्वितीय पद। ये आइडेंटिटी है। इन आइडेंटिटी पर आधारित सवालों को हल करेंगे। कोई भी सवाल आपके पास दिया हुआ होगा और उसको आपको हल करना है। तीन ए प्लस चार बी, इस घन का जो विस्तारित रूप लिखना है, तो इसमें हमारे पास प्लस का चिन्ह है, तो प्लस की आइडेंटिटी का हम प्रयोग करेंगे। तो प्रथम पद की पावर कितनी है, तीन। तो यहां पर क्या हो जाएगा, तीन ए के पावर तीन प्लस आइडेंटिटी में क्या है, द्वितीय पद की पावर तीन, तो द्वितीय पद हमारे पास चार बी। इसके बाद प्लस तीन गुणा प्रथम पद तीन ए गुणा द्वितीय पद चार बी इंटू प्रथम पद तीन ए प्लस चार बी। अब तीन ए के पावर तीन, इसका मतलब जो है तीन ए कितनी बार गुणा हो रहा है, तीन बार गुणा हो रहा है, तो कितना हो जाएगा, तीन को तीन बार गुणा करेंगे तो सत्ताईस, सत्ताईस ए के पावर तीन। इसके बाद चार बी के पावर तीन को तीन बार गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, चौसठ बी के पावर तीन प्लस, अब इनके गुणा करेंगे, तीन दिया नौ और नौ को जो है कितने से गुणा करेंगे, चार से, तो नौ चौक छत्तीस, छत्तीस ए और बी, इधर कितना हो जाएगा, तीन ए प्लस चार बी, इधर कितना हो जाएगा, सत्ताईस ए के पावर तीन प्लस चौसठ बी के पावर तीन प्लस। अब तीन ए को जो है हम कितने से गुणा कर रहे हैं, छत्तीस से कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, छत्तीस अठारह नौ एक दस, कितना हो गया, एक सौ आठ, और एक की पावर एक और एक पावर कितनी हो जाएगी, दो, यानी एक सौ आठ ए स्क्वायर बी प्लस। अब छत्तीस ए बी को जो है कितने से गुणा करेंगे, चार बी से गुणा करेंगे, तो चार के छह से गुणा करेंगे, चार छह का चौबीस और चार तीन बारह और दो चौदह, एक सौ चौवालीस ए बी स्क्वायर। यानी इस तरीके से यहाँ पावर जो है बी की पावर कितनी हो जाएगी, दो हो जाएगी। ये हमारे पास जो क्या हो गया, हल हो गया। इसमें चिन्ह किसका है, प्लस का है, तो प्लस की आइडेंटिटी का प्रयोग किया है, माइनस है तो माइनस की आइडेंटिटी का प्रयोग कर देंगे। अब हमारे पास मान लीजिए दो एक्स
माइनस 3y का होल क्यूब। तो आइडेंटिटी हमारे पास क्या है, प्रथम पद के पावर 3, तो प्रथम पद हमारे पास कितना है 2x के पावर 3 माइनस द्वितीय पद के पावर 3, तो द्वितीय पद हमारे पास कितना है 3y माइनस 3 गुणा प्रथम पद 2x गुणा द्वितीय पद कितना है 3y। इसके बाद प्रथम पद 2x माइनस 3y, द्वितीय पद 3y है। अब 2x की पावर 3 बार गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 8x की पावर 3 माइनस 3y को 3 बार गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 27y की पावर 3 माइनस 3 दिया 9 9 18x और y 2x माइनस 3y। अब 18xy ब्रैकेट के बाहर है तो ब्रैकेट वाली संख्या से क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा 8x के पावर 3 माइनस 27y के पावर 3 माइनस। अब 18xy को देख किससे गुणा करेंगे 2x से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 18 × 36 और x के पावर कितनी हो जाएगी 2y। अब ब्रैकेट के बाहर माइनस है अंदर का चिन्ह माइनस है तो अंदर का चिन्ह क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा इसका हो जाएगा प्लस। अब 18 को जे कितने से 3 से 18 × 54 एक्स वाई स्क्वायर यहाँ चिन्ह किसका आ जाएगा प्लस। ये हमारे पास जो है हल हो जाएगा। तो इसमें हमने किसकी आइडेंटिटी का प्रयोग किया है माइनस की आइडेंटिटी का प्रयोग किया है, ऊपर वाले में जो है प्लस है तो प्लस की आइडेंटिटी का प्रयोग कर देंगे माइनस है तो माइनस। अब हमारे पास संख्या जो है बटे में भी हो सकती है तो उनका भी जो है विस्तारित रूप इस तरीके से जो है ज्ञात कर लेंगे। इधर ध्यान देना तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 2/3y। अब यहां पर जो है हमें अभी से इसमें भी जो हमें किस कौन सी आइडेंटिटी का प्रयोग करना है प्लस की आइडेंटिटी का प्रयोग करना है। अब यहां पर हमारे पास 2/3y यहां पर 3x है तो अब हमें क्या करना है प्रथम पद के पावर 3, तो प्रथम पद हमारे पास कितना होगा 3x की पावर 3 प्लस द्वितीय पद के पावर 3, द्वितीय पद कितना है हमारे पास 2/3y का क्या हो जाएगा होल क्यूब। इसके बाद प्लस 3 गुणा प्रथम पद कितना है 3x गुणा द्वितीय पद कितना है 2/3y। इसके बाद प्रथम पद 3x प्लस द्वितीय पद 2/3y। अब 3x को 3 बार गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 27x के पावर 3 प्लस इधर कितना हो जाएगा 2/3y को 3 बार गुणा करेंगे 2 को जो 3 बार गुणा करेंगे 8 और इधर 3 बार गुणा होगा तो 27 और y के पावर कितनी हो जाएगी 3 यानी कितना होगा 8/27 y के पावर 3। अब ये 3 से 3 क्या हो जाएगा कट जाएगा इधर कितना हो जाएगा 6x और y 3x प्लस 2/3y। इसके बाद ब्रैकेट के बाहर जो है कितना है 6xy तो ये ब्रैकेट वाली संख्या से क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 27x की पावर 3 प्लस 8/27y की पावर 3 प्लस। अब 6xy को किससे गुणा कर रहे हैं 3x से गुणा कर रहे हैं तो 6 3 18 x स्क्वायर y प्लस
अब क्या करेंगे, सेक्स वाई को से किससे और गुणा करना है, 2/3 y से गुणा करना है, तो गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, पहले इसको हम 3 से काट देंगे, 3 × 6 तो कितना आ जाएगा, 4xy2। क्या आ गया, 4xy2, यानी ये हमारे पास 6xy किससे गुणा हो रहा है, 2/3 y से गुणा हो रहा है, इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 × 4 x, और y की पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो इस तरीके से कितना आ गया, यानी कितना आ जाएगा, 4xy2 ये आ जाएगा। तो इस तरीके से हम घन का जो है विस्तारित रूप ज्ञात कर लेंगे। धन्यवाद।